जय हिंद। यूट्यूब वीडियो पे अभी ज्यादातर जो कंटेंट बहुत लोग लगा रहे हैं वो यूट्यूबर बनो को लेकर बहुत कंटेंट लगा रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर जो टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं उनका कंटेंट जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, यूट्यूबर बनो को लेकर कंटेंट उठा रहे हैं, टाइटल उठा रहे हैं कि यूट्यूबर बनो का ऐसा है स्कैम कर रहा है। तो भाई 1499 या 1599 ये गलत कर रहा है, तो भाई जो यूट्यूबर बनो बखान जग रहा है वो बिल्कुल ही गलत कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, कई तरह का मतलब गाली का भी डायरेक्ट थंबनेल में वहां पे लिख रहा है। तो भाई इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताऊंगा कि जो बसंत जागरा है जो यूट्यूबर बनो का जो ओनर है, जो भाई करीबन 2 हफ्ता के अंदर वो 13 वीडियो अपलोड किए चैनल पे और उनका बहुत ही फास्ट चैनल ग्रो हो रहा है। भाई अभी मैं कल देखा था उनका चैनल तो 30.1K उनका सब्सक्राइबर था और एक 2 हफ्ता 2 वीक जो लिखा हुआ रहता है ना, 2 वीक देखा था, अब 2 वीक का आने का मतलब कि 10 दिन 11 12 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 हफ्ता के अंदर उनका 30.1K टोटली सब्सक्राइबर हुआ है और उसमें केवल 13 वीडियो अपलोड किए हैं और उनका जो व्यूज है वो बहुत ही दुगना तिगना, मतलब सब्सक्राइबर से हिसाब से उनका व्यूज आ रहा है, ठीक है, 172K और आपका 1 लाख के मतलब अराउंड में ये व्यूज आ रहा है, ठीक है। तो ये फास्ट इतना चैनल ग्रो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यही कंटेंट को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर है जो वीडियो बना रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, स्कैम कर रहा है, हैकर है, कई तरह का मतलब कि बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि आखिर इतने ये फास्ट ग्रो क्यों कर रहे हैं बसंत जागरा जिनका यूट्यूब अभी नया में चल रहा है ट्रेंड में यूट्यूबर बनो, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोई भी अदर यूट्यूबर भाई बता रहे ना कि वो ऐसे है वैसे, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ भाई बंदा बिल्कुल ही परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट बंदा है यार, क्योंकि वो जो है ना अपना मेहनत के बदौलत वो पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज नहीं बता रहा है कि जो पाया वो बता रहा है। कोई भी आपको अर्निंग दिखा सकता है, जो रियल अर्निंग बता सकता है कोई भी जल्दी यूट्यूबर, कोई जल्दी की यार मैं आज तक इस टाइप के वीडियो देखा ही नहीं, इसीलिए तो ये फास्ट ग्रो हो रहे हैं। और वो जो है ना अर्निंग वो बंदा है लाइव प्रूफ बिल्कुल ही जाके दिखा रहा है अपना लाइव प्रूफ यूट्यूबर स्टूडियो में कि 1 मिलियन व्यूज पे मेरा एक वीडियो पे इतना का अर्निंग हुआ है, इतना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए तो करीबन इतना आपका 33,000-40,000 के आसपास उनका 1 मिलियन में व्यूज आ रहा है, तो इतना उनका इनकम हो रहा है 33,000-40,000 के आसपास, तो वो रियल बताया जा रहा है भाई, ऐसा नहीं कि वो फेक बताया जा रहा है। तो ये फास्ट होने का सबसे पहला ये रीजन हो गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से बहुत लोग चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी चाहता है ना बंदा भाई यूट्यूब पे आना तो सबसे पहले वो उसके दिमाग में यही चलता है, पहला तो यही होता है भाई पैसा कमाना, दूसरा नाम कमाना, ठीक है। अब बहुत सा नाम कमाना कहने का मतलब है कि तरह तरह का वीडियो बना रहा, कोई गलत भी वीडियो डालते हैं, गलत मतलब एकदम ही गलत नहीं, और एक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला जा रहा, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप फेमस हो गए तो आपका नाम भी हो जाएगा पैसा भी हो गया, लेकिन मान लीजिए कॉमेडी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो उसमें है ना कि ऐसा नहीं, उसमें भी नाम होगा लेकिन एजुकेशन की बात ही कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप सब फील्ड में जाएंगे तो इसमें आप फेमस हो ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉजिक ये है ना कि जो ये जो वीडियो बना रहे हैं सबसे पहले तो वो अर्निंग लाइव प्रूफ जाके बता रहे हैं कि 1 मिलियन में कितना हो जा रहा है अर्निंग इंडियन रुपीस में कमाई और 1000 व्यूज में कितना हो रहा है, ठीक है, पहला ये हो गया। और बिल्कुल ही उनका जो है कंटेंट एकदम अलग है, सब लोगों से अलग है क्योंकि इस टाइप से कोई भी जानकारी नहीं देता है, इसीलिए ये सबसे पहले फास्ट हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। दूसरा ये कि उनका जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड है भाई, ऐसा नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ मैं डिजिटल बोर्ड से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पीछे बैकग्राउंड लगा हो उसके बाद बैकग्राउंड मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब ग्रीन बैकग्राउंड है उसके बाद मैं बैकग्राउंड चेक करता हूँ, ठीक है। मेरे पास उतना का नहीं है, ऐसा कोई खास सेटअप नहीं है, बस नॉर्मल है भाई, जो है मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, जो है ना रियलिटी जब तक मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, जानकारी मैं रियल नहीं लेता होता तो मैं आपके साथ जानकारी नहीं शेयर करता हूँ। तो बसंत जागरा का सबसे पहले आप मैं आपको बता दिया कि वो अर्निंग का बताते हैं, इसीलिए उनका फर्स्ट चैनल ग्रो हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि भाई वो डिजिटल बोर्ड, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जेन्युइन तरीका से और थोड़ा उनका जो कॉमेडियन टाइप का है, क्योंकि ऑलरेडी पहले बसंत जागरा है उनका चैनल मतलब बसंत जागरा के नाम से ऑलरेडी पहले एक चैनल बना हुआ है जो 5-6 साल पहले ही से, ये 5-6 साल मैं देखा नहीं हूँ लेकिन ऐसे मतलब 4 या 5 साल तो होगा ही क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था, मैं लास्ट तक भी नहीं देखा था, लेकिन 4 या 5 साल पे वो बसंत जागरा के यूट्यूब चैनल पे अपने ऑफिशियल मतलब मेन जो चैनल है उस पर काम कर रहे हैं और उस पर जो उनका मतलब कि सब्सक्राइबर है वो 2.85 मिलियन उनका कुछ ऐसा ही सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा फेमस रहता है ना, मिलियन का सब्सक्राइबर रहता है ना, वो 10 भी चैनल बनाएगा या 5 भी चैनल बनाएगा ना, तो ऑलरेडी उसका दूसरा भी चैनल, तीसरा भी, चौथा चैनल सब चलेगा,
भले ही वो मेन चैनल जैसा 5 मिलियन 10 मिलियन या 2 मिलियन जैसा सब्सक्राइबर नहीं होगा, लेकिन भाई अगर आपका 4 मिलियन सब्सक्राइबर है ना मेन चैनल पे, तो आप अगर कोई चैनल बनाने तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उस पर भी बढ़ेगा, उस पर भी अर्निंग होगा। अगर उससे आपको 2 लाख रुपया पर मंथ का हो रहा है मेन चैनल से ना, तो आपको 30,000-50,000 भी अदर चैनल से हो सकता है आगे चल के, क्या आगे चल के और भी फेमस होगा। तो दूसरा ये है, मतलब कि 3 में आपको स्टेज बताया, तीसरा ये है कि भाई वो ऑलरेडी फेमस बन रहा है। बसंत जागरा पहले वो मतलब कि ऐसा नहीं, वो बहुत ही सेलिब्रिटी तक वो पहचान बना लिए, सेलिब्रिटी तक प्रैंक वीडियो बनाया है। मैं उनका बहुत ही काम एक वीडियो थोड़ा सा देखा था शॉर्ट में, 2-3 मिनट का देखा था, हालांकि वो 4-5 मिनट का वीडियो था, तो उनका देखा था। तो मैं देखा कि मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक का उनका चैनल पे वीडियो है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बंदा को सब पहचान रहा है, जान रहा है, तो उनका अगर फेस आएगा और अदर मतलब कि इनकम के साथ और टैक्स से रिलेटेड, जाहिर सी बात है कोई भी देखेंगे उनका फेस तो आ रहा है ना, भले ही नाम नहीं सो कर रहा है लेकिन फेस तो आ रहा है ना। और इस टाइप के बहुत ही चैनल वीडियो बहुत ही ज्यादा चलता है, जैसे आप डिजिटल बोर्ड पे अगर कुछ ना कुछ बता रहे ना, तो जाहिर सी बात है आपका चैनल ग्रो होगा ही, ठीक है। तो ये मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ, जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, बंदा को देखने के बाद ही समझ में आ जाता है भाई कि ये किस कैटेगरी है, क्या है, फेंका फाका रहा है। बहुत से जो यूट्यूबर बोल रहे हैं ऐसा है वैसा, भाई कुछ भी नहीं है, बंदा बिल्कुल ही परफेक्ट है, वो अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमा रहा है या आपके अंदर भी टैलेंट है पैसा कमा। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि 1599 या 1499 होली के ऑफर पे वो कोर्स करवा रहे हैं। तो भाई भाई मैं आपको बता दूँ, ये कोर्स के बारे में थोड़ी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कोर्स में क्या बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कोर्स के बारे में ये खरीदने की क्या जरूरत है यार, आप सीख सकते हैं। बस इसमें क्या, आपका एक ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी बनाना होता है, ईमेल आईडी के बाद बस सिंपल सा आपका चैनल क्रिएट होता है, लोगो बनाओ चैनल की, और उसके बाद आप यूट्यूब बैनर लगाओ या नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके जो वीडियो है वो अच्छा से अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा आप वीडियो बनाए जिसमें जान हो, लोगों को अच्छा से अच्छा लगे, दिल को छू जाए, तो ऑलरेडी आप फेमस हो ही जाएंगे। बाकी कोर्स कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास जो पैसा उसके हिसाब से कोर्स खरीदेगा, नहीं है कोई पैसा उसके हिसाब से नहीं खरीदेगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि एकदम पागल लड़का है कि हाँ 1500 में मैं कोर्स खरीद लिया उसके बाद मैं कोर्स करने जा रहा, वो उसकी मानसिक के ऊपर है कि हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, या बिना खरीदे हुए भी है हम अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोर्स करने की क्या जरूरत है यार, बस आपके अंदर जो कंटेंट है, आपके अंदर जो सूझबूझ है, वो वीडियो को डायरेक्टली बनाए, इतना तो आपको बहुत सा YouTube पे वीडियो देखने को मिल जाएगा कि आप चैनल ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज सबको पता रहता है, नहीं भी पता है तो आप डायरेक्टली YouTube से देख सकते हैं, कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खरीदने की जरूरत भी आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट हो तो आप खरीद सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं खरीदे, आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बसंत जागरा जो है भाई वो अपना जो भी कोर्स बना रहा है, बहुत सारे लोग कई तरह का लोग है अपना हिसाब से पर्सनल अपना जो चीज बना रहा है वो पैसा कमा रहा है, दिमाग लगा रहा है, भाई आप भी दिमाग लगा के पैसा कमाए, आपको खरीदने का मन है कोर्स तो खरीदे, नहीं खरीदने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेकार में बेफजूल में गाली का कंटेंट मत डाले, टाइटल मत डाले, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ ना कि बेफजूल में बहुत से यूट्यूबर है बस फेमस होने के लिए, कि फेमस बंदा का बस थंबनेल लगा लो और गाली वहां पे साइड में लिख दो और उसके बाद अपना फोटो चिपका दो, जाहिर सी बात है उसका देखेगा बस देखने के लिए, फेमस होने के लिए। तो ऐसा नहीं भाई, आगे चल के आप फेमस ज्यादा नहीं हो सकते हो, बस आपका वीडियो ही पे व्यूज आ सकता है अधिक से अधिक। फेमस होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, सबसे पहले आपका वीडियो में क्वालिटी होना चाहिए, आपके आप जो बोलते हैं समझाते हैं उसके अंदर जान होना चाहिए, लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि वो दिल को छू गया, वो अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इस टाइप में आपका वीडियो होना चाहिए। वो ऑलरेडी पहले आपको सब्सक्राइबर आप जुड़ने के लिए बोले या नहीं जुड़े, आपके साथ खुद पब्लिक लोग आपके साथ ऑडियंस जुड़ जाएंगे। समझ में आई, आई होप मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से।